ओके हेयर वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम लोग रेट ऑफ़ रिएक्शन को देखने लगे हैं कि रेट ऑफ़ रिएक्शन क्या होता है पिछली वीडियो में हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को देखा था द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन अकर प्रोसीड वो स्पीड जिस पे केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं फार्मासिस्ट हैव टू लुक एट how quickly or slowly reaction take place and how these rate of reaction are affected by the different factor Pharmacists ko ya chemists ko ye dekhna padta hai ki hamare paas koi bhi process slowly ho raha hai ya phir quickly ho raha hai अब ये चीज़ हमारे लिए क्यों important होती है कि हम ये देखें कि process quickly है या slowly है ताकि हम ये प्रडिक्ट कर सकें कि कितना टाइम लगने वाला है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो डेफिनेटली वी वुडेंट गो फॉर द फेवर ऑफ दैट ठीक है द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑफन एक्सप्रेस एज चेंज ऑफ क्वान्टिटी कंसनट्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और द चेंज इन कंसनट्रेशन क्वान्टिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम अब हमारे पास ना इसको अगर हमने करना है ना तो हम लोग या तो ये देखते हैं कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है या फिर हम ये देखते हैं कि कितने अमाउंट में जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हुआ है इन दोनों से हम लोग फिर फाइंड कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि कंसनट्रेशन या फिर इससे करते हैं तो अगर हम लोग ना इसको रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या फिर हम लोग इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम अब हम लोग कहते हैं कि ड्रग ए जो है वो कन्वर्ट हो रही है ड्रग बी में तो रेट अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन का करेंगे तो हम लोग इसको माइनस डी ए बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो नेगेटिव साइन है ना वो ये इंडिकेट करता है कि कंसनट्रेशन ड्रग ए की डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है अब ए हमारे पास रिएक्टेंट है ना तो रिएक्टेंट रिएक्ट react कर जाएगा जब वो रिएक्ट कर जाएगा तो वो दूसरी ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो है इसकी अमाउंट कम होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके बाद जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है हमारे पास तो हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन ड्रग बी की इंक्रीज हो जाती है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि कोई नेगेटिव साइन नहीं आता क्योंकि इसकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड बाई मैरिंग द डिक्रीज़ अगर हम लोगों ने ये देखना है ना एक्सपेरिमेंटली कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है तो वी विल गो टू वर्ड वॉट वी विल गो टू वर्ड द कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग को हम देखते हैं कि वो कितनी डिक्रीज हुई है तो हमारे पास फिर ये आ जाता है अब रेट कॉन्स्टेंट जो होता है ना अ रेट कॉन्सटेंट इज़ प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट दैट अपियर इन अ रेट लॉ अब के इज़ द रेट कॉन्सटेंट इन द रेट लॉ अब इसमें हम लोग रेट जो है वो डल चेंज ऑफ ए बाई चेंज ऑफ टी से करते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाता है हमारे पास के के ठीक है अब के जो है वो रेट कॉन्सटेंट आ गया डी जो है वो हमारे पास चेंज को शो कर रहा है ए हमारे पास ड्रग है नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमारे पास कंसनट्रेशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रही है ठीक है तो अब उसके बाद अगर सी इज़ द कन्सनट्रेशन ऑफ ड्रग ए अगर हम कहते हैं कि सी जो है वो हमारे पास कंसनट्रेशन है ड्रग ए की तो हम लोग कहते हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमने उसको डिस्क्राइब करना है कि ये कंसनट्रेशन को तो वी विल राइट दिस एज डी टी माइनस के सी आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली हम उसको कंसनट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसके बाद जो के है वो रेट कॉन्स्टेंट है सी कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग है नेगेटिव साइन ये इंक्रीज़ करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डिक्रीजिंग तो उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे